نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है तो डियर लिसनर्स आज का हमारा जो लेसन है वह सूरत लैल है हम लैल को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे पहला पार्ट आज हमारा लेसन होगा तो आइए चलते हैं आज के अपने इस लेसन की तरफ और देखते हैं लैल को तजवीद के साथ हमने कैसे अदा करना है तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ जी तो आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है तो चलते हैं लेसन की तरफ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى वई ली इज यहाँ पर देखें के वईली ये मैं सर्कल बना रहा हूं इसको लोग पढ़ते हैं व ले ली ठीक है ये लई है लाम जबर लाम के ऊपर जबर है और या लाम जबर या लई व लई ली ठीक है जी आगे इज ओ वो अब गाइन जो है यहाँ पर बोल्ड है मोटा है मोटे हरूफों में से है ठीक है हमने इसको मोटा अदा करना है और इसी तरह जो है वो ये शीन के ऊपर खड़ी जबर है यो शै यो शैब तो वन टू तो टू तो सेकंड्स हमने इसको लंबा करना है आइए चलते हैं नेक्स्ट राय की तरफ नहरी इज नह इज नहरी इजत जल तो आइए देखते हैं इसका एनालिसिस करते हैं अब यहां पर देखें कि नून मुश्दिद है नून मुश्द है यहाँ पर हमने गुन्ना करना है ठीक है यहाँ पर गुन्ना होगा ठीक है जी और इसी तरह देखें कि हा के बाद अलिफ है तो हा हमजा ज़बर हा ठीक है इसको हमने जो है वो अलिफ मद्दा है इसको हमने वन सेकंड लंबा करना है ठीक है रॉ बरीक यहाँ पढ़ा जाएगा आगे इ ठीक है तो यहाँ पर भी जो है वो लाम के ऊपर खड़ी जबर है तो हमने इसको जो है वो वन टू टू सेकेंड जो है वो हमने इसको लंबा करना है आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ क्या ठीक है जी इसका एनालिसिस देखते हैं कि यहाँ पर ख़ जो है वो मोटा अदा होगा इसी तरह जो खफ़ है इसको भी हमने मोटा अदा करना है ठीक है क्योंकि ये मोटे हरूफों में से है इसी तरह जका रॉकी जो रॉ है रो ज़बर रॉ इसके ऊपर ज़बर है इसको भी हमने मोटा अदा करना है इसी तरह वहाँ पर नून साकिन है यहाँ पर हम इखफा करेंगे ठीक है यहाँ पर इखफा होगा और इसी तरह सा के ऊपर जो है वो खड़ी जबर है और छोटी मध है इसको हमने टू टू थ्री सेकेंड जो है वो लंबा करना है वल ठीक है जी आइए चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ इन सा तो यहां पर इन्ना के ऊपर जो है वो गुन्ना होगा क्योंकि नून मुशद है ठीक है यहाँ पर हमने गुन्ना करना है इन्ना नाक में आवाज़ हमारी जाएगी ठीक है जी और इसी तरह जो है वो आप देखें ता के ऊपर जो है वो खड़ी जबर है हमने इसको वन तो टू टू सेकेंड जो है वो लंबा करना है चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى तो अब यहाँ पर मीम मुश्द है यहाँ पर हमने गन्ना करना है ठीक है और इसी तरह आगे मन है यहाँ पर लोग जो है वो फम अमन अब यहाँ पर ना अफवा है ना गन् है ठीक है नून साकिन है ठीक है लेकिन इसके बाद हमज़ा है तो यहाँ पर ना घुना होगा ना इखफा होगा मन आठ ठीक है आगे तो जो है ये मोटा भी है और इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है ठीक है इसको हमने मोटा भी अदा करना है और वन टू टू सेकंड्स जो है वो हमने लंबा भी करना है जी इसी तरह आगे आ जाएं काफ़ जो है ये मोटा भी है और इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है हमने इसको जो है मोटा भी अदा करना है और खड़ी ज़बर के साथ भी अदा करना है आइए चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ अब यहाँ पर स्वाद जो है ये मोटा है इसको मोटा पढ़ेंगे वस्वा वसा वस्वा, वस्वा नहीं पढ़ेंगे वसा नहीं पढ़ेंगे सीन बन जाएगा वो ठीक है का। ठीक है स्वाद मोटा दा होगा इसी तरह काफ़ जो है ये भी मोटा अदा करेंगे हम ठीक है ये मोटे हरूफों में से है इसको हम मोटा अदा करेंगे जी आगे चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ एस रो फनुस रो अब यहाँ पर रॉ जो है ये मोटा अदा होगा इसके ऊपर पेश है और इसी तरह हा के ऊपर उल्टा पेश है तो इसको भी हमने वन सेकंड लंबा करना है ना कि हम पढ़ें फ़नु या ये गलत होगा हा पे हा के ऊपर पेश होती तो फिर हो लिलयु होता यहाँ पर हा उल्टा पेश हु फनुरो ठीक है जी और इसी तरह रॉ जो है ये भी मोटा है और इसके ऊपर खड़ी जबर है तो हमने इसको जो है वह मोटा अदा करना है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ वीला वस्त बा वस्त ठीक है जी अब इसको देखते हैं यहाँ पर मी मुश्द है तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना है ठीक है इसी तरह मम जो है ये नून साकिन है लेकिन मीम यहाँ पर साकिन हम पढ़ेंगे मम बीला ठीक है यहाँ पर अख्वा होगा ठीक है और इसी तरह जो ये खौ है इसके नीचे ज़ेर है ठीक है ये वैसे ही मोटे हरूफों में से है इसको हमने मोटा अदा करना है ठीक है जी इसी तरह वाइन जो है वो मोटा है तो यहाँ पर हमने इसको मोटा अदा करना है और इसी तरह नून के ऊपर जो है वो खड़ी ज़बर है तो हमने इसको वन सेकेंड जो है वो लंबा करना है चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ अब यहाँ पर जो है वो सब ही बरीक लेटर्स हैं इसके अंदर कोई बताने वाली ऐसा चीज़ नहीं है चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ फसनु फिलुस रॉ जी तो यहाँ पर रॉ जो है ये मोटा है ठीक है इसके ऊपर पेश है हमने इसको मोटा अदा करना है और जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है कि ये जो हा है इसके ऊपर उल्टा पेश है हमने इसको वन सेकंड लंबा करना है ठीक है फौरन नहीं अदा करना फ सनु तो ये जो है वो गलत हो जाएगा ठीक है सही तरीका क्या है हा उल्टा पेश हो वन सेकंड इसको हमने लंबा करना है।, ठीक है जी इसी तरह जो है वो आप देखें कि रॉ के ऊपर जो है वो खड़ी जबर है ठीक है और रॉ मोटा है हमने इसको मोटा अदा करना है जी इसी तरह जो है वो आप आगे आ जाएं मैं इसको जरा ऊपर कर लेता हाँ जी तो यहां पर नेक्स्ट आयत पर देखते हैं व मैं हूँ मैं लू وما يغني عنه ماله إذا हूँ ठीक है जी तो यहाँ पर आप देखें कि गाइन जो है वो यहाँ पर हमने इसको मोटा अदा करना है ठीक है गाइन को मोटा अदा करेंगे और इसी तरह अनहु ठीक है अनहु अन पे हमने इकफ़ा गुना वगैरह कुछ भी नहीं करना मैलू ठीक है हा के ऊपर उल्टा पेश भी है और छोटी मत भी है ठीक है यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालू जो है इसके ऊपर ये उल्टा पेश भी है और छोटी मत भी है ठीक है माल होता ठीक है अब चलते हैं जी इसकी नेक्स्ट आयत की तरफ जी इ ललहुद इनई नल्हद अब यहां पर नोन मुशद है तो यहां पर हमने गुना करना है ठीक है यहां पर गुना होगा इन लल्हुद और इसी तरह जो है लाम जबर या लई है अलई अलई इसको भी वाज़ अदा करना है और इसी तरह जो है वो नोन जबर हमजा ना है अलई न लोग पढ़ते हैं इल्हदा ठीक है न लल्हूदा नहीं पढ़ना न लल्हूद तो ये हमारा जो है वो सूरत लईल का लेसन था तो इन आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर इसको जो है वो अच्छी तरह जो है वो प्रैक्टिस किया करें ठीक है अच्छी तरह इसको जो है वो रिवाइज़ किया करें जैसे मैं आपको साथ पढ़ा रहा होता हूँ इसको अच्छी तरह रिवाइज़ किया करें और आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई भी बात हो या कोई भी इशू हो तो आप हमसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं पूछ सकते हैं ये आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं व्हाट्सएप का नंबर भी नज़र आ रहा है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जजाकल्ल खैर अल्लिकम वरहल वो